हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज मैं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ और ये वीडियो रहने वाली है गाइस बेसिकली बाइक का मोबाइल माउंट के लिए। एंड मैं अभी पर्सनली बैंगलोर आ चुका हूँ 2 साल के लिए एंड मुझे अपनी बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज यहाँ की रोड मुझे बिल्कुल नहीं याद होती हैं, इसलिए मुझे मोबाइल माउंट लगाना था एंड मैंने बोवो का मोबाइल माउंट ले लिया है एंड मैंने वाटरप्रूफ केसिंग के साथ वाला लिया है बिकॉज यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वाटरप्रूफिंग वाला लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो अभी मेरे पास डिलीवरी आ चुकी है, ओपन करते हैं बॉक्स, दिखाता हूँ आप सभी को किस तरीके का है, कैसे सेटअप करते हैं एंड कैसा रहने वाला है हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस, सब कुछ आप सभी के साथ शेयर करूँगा। एंड ये पीछे खड़ी है गाइज हमारी अपनी गाड़ी एंड ये उसके ऊपर रखा हुआ है डिब्बा मोबाइल माउंट का। तो देखते हैं किस तरीके से सेटअप करना है और कितना इजी रहने वाला है या कितना टफ रहने वाला है, जैसा भी होगा आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा एंड कितना सेफ है या कितना डिफिकल्ट है और देखेंगे कितना ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे तो उस पर लिखा है एंटी वाइब्रेशन, वाइब्रेशन उतना नहीं आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। गाइस ये रहा हमारा बॉक्स बोबो का एंड इसके प्राइस की बात करूं तो ये मुझे पड़ा है टोटल 2500 का, एक्चुअली 2400 का पड़ा है। एक्चुअल प्राइस इसकी देखते हैं, इसके बॉक्स पे लिखा होगा। तब तक हम अपना बॉक्स ओपन करते हैं एंड हमारे पास अभी कोई सीजर तो नहीं है तो मुझे अपनी बुलेट की चाबी से ही करना पड़ेगा। एंड इस बॉक्स पे आप सभी को प्राइस दिखा दूँ तो 4500 लिखा हुआ है एंड ये मुझे पड़ा 2400 में। तो लेट्स सी कैसा रहता है। बहुत ईजी था यार, बट हो नहीं पाया। ये हमारा कुछ कागज़ पत्तर आ गया और ये रहा मेन मोबाइल माउंट, काफ़ी बड़ा है, 7 इंच का है ये। तो गाइस हमें बॉक्स में ये 3 चीज़ मिली। पहली चीज़ मिली हमें ये कीरिंग बोबो की, जो हमारे लिए बिल्कुल भी यूजलेस है, इसको रखते हैं साइड में। दूसरा हमारे पास यहाँ इसको सेट करने के लिए टूल्स दिए हुए हैं, एलन की दी हुई है एंड बाकी सेटअप करने के लिए टूल्स दिए हैं। एंड यहाँ पर मेन माउंट ये है टोटल 7 इंच का एंड इसे ओपन करने के लिए हमें 3 जगहों से ओपन करना पड़ेगा, ऐसे नीचे से, साइड से एंड अगेन ऊपर से भी ओपन होता है बट साइड से, इस साइड से। अच्छा, इस साइड से ओपन होगा एंड इस तरीके से कुछ ये ओपन हो जाता है एंड यहाँ ये मदद करता है वाइब्रेट नहीं करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ है, स्टार्ट करते हैं इसका इंस्टॉलिंग का सेटअप। सबसे पहले गाइस इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम ओपन करते हैं हमारे पास ये इस तरीके का कुछ सेटअप दिखता है। इसको ये इसी में इस तरीके से लगा रहेगा और फिलहाल के लिए पहले हम अपना बॉक्स बंद कर लेते हैं, उसके बाद से इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने नीचे से ओपन कर लिया है रिंग को। यहाँ पे ये आए हमारे पास सेटअप। अबे इस साइड सेटअप किया जाए। जी हाँ, उधर ही करो। हाँ हाँ ठीक रहेगा उधर। इसको गाइस हम बढ़िया से टाइट कर लेते हैं एलन की से। तो गाइस ये हमने 50% काम कर दिया है, अब बस इसको अंदर डालते हैं, इसको अंदर करते हैं एंड देन माउंट यहाँ पे सेटअप करते हैं। तो पहले हम इसे डाल देंगे, इसके स्क्रू टाइप का है एंड उसके बाद से हमें इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना पड़ता है बिकॉज ये मुड़ जा रहा है। तो इसको करते हैं थोड़ा सा और टाइट। यहाँ पे पुश, ये हो गया हमारा माउंट तैयार एंड इसको कर देते हैं टाइट। तो गाइस यहाँ पे हमारा माउंट फुल्ली प्रिपेयर हो चुका है एंड ये 7 इंच का माउंट है तो ये दिखता है कुछ इस तरीके का, ऐसे ये ओपन होगा एंड अभी तो हल्का फुल्का ऐसे शेकीनेस है बट लेट्स सी हमारा राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। एंड इसमें अभी आप सभी को फ़ोन रख के दिखाऊं, तो इस तरीके से आप सब फ़ोन रखोगे तो यहाँ पे प्रेस करता है ये एंड ये वाइब्रेशन कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे आपने रख दिया, मैटर नहीं करता आपके फ़ोन का साइज़ कितना है एंड फिर तीनों साइड से आप बंद कर दोगे तो इस तरीके का कुछ हमारा माउंट दिखने वाला है। तो ओवरऑल देखते हैं हमारा राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। अभी तो सो है मेरी फीलिंग बट लेट्स सी एंड कितना सेफ है एंड कितना साउंड है ये तो चलाने के बाद ही मालूम चलेगा, बट मुझे तो अभी काफ़ी सही लग रहा है एंड लेट्स सी ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इसके ऊपर से गाइस टच भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आप सब देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से इसके ऊपर से टच काम कर रहा है
तो इस तरीके से हम अपना कैमरा भी ओपन कर सकते हैं एंड मैप को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल काफ़ी सही है। ये था गाइस इंस्टॉलेशन का वीडियो एंड यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें बच गई, एक एलन की और यहाँ पे इन्होंने हैंडल के हिसाब से सेटअप करने के लिए दो दो माउंट्स दिए हुए थे। तो मेरे पे चौड़ा वाला माउंट लगा है एंड जिसका हैंडल पतला होता है उसके पे पतला वाला लगता है। तो यही था गाइस टोटल ओवरऑल इंस्टॉलेशन। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी सही लगा होगा एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके प्राइस की बात करें तो 2400 रुपीज़ का मुझे पड़ा, बोबो का है एंड जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस तो इसे प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके अपने थॉट शेयर करना कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना एंड अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आप सभी को मेरे वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।